आलमगीर से जुड़े लोगों के पास से मिले थे 37 करोड़ कैश। तो झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है, ईडी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। आलमगीर से जुड़े लोगों के पास 37 करोड़ रुपए कैश मिला था और अब फिलहाल आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो गई है। देखना होगा पूछताछ में क्या सामने निकल कर आता है। ईडी सवाल करेगी 37 करोड़ रुपए कैश जो है वो आलमगीर आलम से जुड़े लोगों के पास कैसे आया, इतनी बड़ी संख्या में कैश कहां से मुहैया कराया गया, इसको कहां भेजा जाना था, कहां खर्च करना था, ऐसी तमाम चीजों को लेकर सवाल जो है वो आलमगीर आलम से किए जाएंगे। आयुष ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष, आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो गई है, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड की राजधानी रांची से आ रही है, जहां पर झारखंड कैश कांड मामले में मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि कल ही आलमगीर आलम को पेश होने के लिए कहा गया था जब ईडी ने समन दिया था, और उसके बाद आज गिरफ्तारी हो जाती है इस कैश कांड में, जहां पर लगभग 36 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी ईडी के पास हुई थी। बताया जा रहा है कि पीएमएलए एक्ट यहाँ पर लगा दिया गया है, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि 36 करोड़ का यह मामला है जो आलमगीर आलम के पीए हैं उनके नौकर के यहां से इतना बड़ा कैश जो बरामद हुआ था, जिसके बाद सभी लोगों की आंखें फटी रह गई थी। आलमगीर आलम के जो पीए थे संजीव लाल, उनके घर के नौकर के यहां से जब ये पूरा कैश बरामद होता है तो कहीं ना कहीं इसके तार मंत्री से जोड़कर देखे जाते हैं, जिसके बाद मंत्री को भी बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, और उसके बाद आज उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अब फिलहाल जो कयास है वो ये लगाया जा रहा है कि आज रात को ही हो सकता है कि आलमगीर आलम को ईडी जो है वो दिल्ली के दफ्तर में ले आए और कल राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने उनकी पेशी हो। जी कल राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी को लेकर आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आयुष, क्योंकि आलमगीर आलम से जुड़े जो लोग थे उनके घर से कैश मिला है, कुछ और भी लोगों की गिरफ्तारी क्या ईडी की तरफ से की जा सकती है इस मामले में, या कुछ और भी ऐसे मंत्री हैं जिन पर शिकंजा जो है वो आने वाले वक्त में ईडी कर सकती है इसी कैश से जुड़े मामले को लेकर? जी बिल्कुल, ऐसा हो सकता है कि इसके अलावा और भी गिरफ्तारियां की जाए, क्योंकि जब एक मनी ट्रेल एस्टैब्लिश किया जाता है, ये हमने दिल्ली में भी देखा था जब दिल्ली के कथित चोरा घोटाले में जब ईडी ने गिरफ्तारियां शुरू की थी तो एक मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ था, और उस मनी ट्रेल में जिस जिसका नाम आता है उनको पहले पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, और अगर ईडी को लगता है तो ऐसे में गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो यहाँ पर भी वही हुआ जिस प्रकार से झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता भी आलमगीर आलम, इनको आज जब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और ये दूसरी बार जब समन के लिए पूछताछ के लिए बुलाया था आज, उसके बाद ये पूरी गिरफ्तारी हुई है। अब ऐसे में जो 36 करोड़ जो बरामद किए गए थे जिसमें जो